परमिशन दे दी है सर, अभी 10.7 एग्जाम्पल 10.7 For what distance is ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide and the wavelength is 500 nanometer? Wavelength is 500 nanometer, 2 meter, or aperture 3 mm. 3 mm. तो किस डिस्टेंस तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका जो इक्वेशन है उसको बोला जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस जेड इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा। ये डिस्टेंस तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके आगे हम वेव ऑप्टिक्स अप्लाई करेंगे। अप टू दैट डिस्टेंस वी अप्लाई द रे ऑप्टिक्स। तो हमें एपर्चर का डायमीटर दिया है 3 mm, इज इट 10^-3 मीटर, और ये हमारे वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर 10^-9 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 10^-7 मीटर। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज डी स्क्वायर 10^-3 होल स्क्वायर एंड वेवलेंथ इज 5 × 10^-7। तो जेड आपका हो गया 3^9, 10^-6, 5 × 10^-7। ये होगा 9/5 × 10, ये होगा 90/5, ये हो जाएगा 18 मीटर। अप टू 18 मीटर वी अप्लाई द रे ऑप्टिक्स। अप टू 18 मीटर वी अप्लाई रे ऑप्टिक्स। तो 18 मीटर तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है। उसके आगे हमें रे ऑप्टिक्स की जगह पे हमें वेव ऑप्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस हुआ। ये पोलराइजेशन से पहले दिया गया है ये फॉर्मूला। हो जाए तो बोल देना क्योंकि आगे बढ़ना है। ओके होगा प्राची निधि यानी ओके रुचि तूने लिख दिया। चलो हो गया है। एक्सेस में 10.1 हो गया है प्रणव। इलस्ट्रेशन हमारे खत्म हो गए जो हमारे सिलेबस में सर। एक्सरसाइज में 10.1 10.4 अब है पत्ते। 10.2 अपने करूंगा। चलो नाउ स्टार्ट 10.2।
10.2. What is the shape of the wavefront in each of the following cases? A. Light diverging from a point source. Light diverging from point source. यानी ये पॉइंट सोर्स है, अब ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग, तो ये आपका जो वेवफ्रंट बनेगा धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, यानी ये हर जगह पे जाएगा, ये स्पेरिकल टाइप वेवफ्रंट हो जाए, तो इट बिहेव लाइक इज अ स्पेरिकल वेवफ्रंट बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स. यदि ये लाइन सोर्स होता ना तो आपका सिलिंड्रिकल टाइप वेवफ्रंट हो जाता. तो ये डाइवर्जिंग रेस मेकिंग अ स्फेरिकल वेवफ्रंट, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स मेकिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट. तो जो लाइट डाइवर्ज हो रही है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगी, तो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट हो जाएगा. हो गया, ड्रॉ कर दिया है विगन. चलो हो गया. रुचि? यस सर. चलो तो अभी दूसरा पॉइंट, ये ना रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आएगा. तो अभी दूसरा पॉइंट. बी. लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. Out of a convex lens. When a point source is placed at its focus. When a point source is placed at its focus. So yeah, here. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, इट इज अ पॉइंट सोर्स, उसमें से हमने ये पॉइंट सोर्स को फोकल पे रखा है, फोकस पे, यहां से ये रेस ऐसे निकलेंगे बाहर, अब ये पैरेलल हो जाएंगे, तो यहां पे जो बनेगा वेव फ्रंट इट इज नोन एज अ प्लेन वेव फ्रंट. तो ऐसा उसका आंसर आएगा, इट मेकिंग अ प्लेन वेव फ्रंट. हियर ऑल रेस आर पैरेलल एंड मेकिंग प्लेन वेव फ्रंट. Making a plane wave front. Here all rays are parallel and making a plane wave front. ये plane wave front बनाएंगे. अभी C का हमें study करना है. या figure draw करते जाएं.
चलो अभी थर्ड पॉइंट हो गया रोशाली। चलो अभी सी पॉइंट। See, the portion of the wavefront of light from a distant star intercepted by the earth. Okay. Star में से जो rays आ रहे वो star light in infinite distance. तो जो हमारे पास आएंगे ना तो ये हमारे पास infinite distance star करके सीधे आएंगे. It is known as a plane wave. तो star lie at a very large distance all the rays coming from star becomes parallel because all ray traveling a large distance and therefore it will be making a plane wave front. It will be making a plane wave front. तो ये infinite distance travel करके हमारे पास आ रहे हैं तो वो plane wave front बनाएंगे. ये पूरा plane wave front बनेगा. अभी हमें शुरू करना है 10.3 एक्सरसाइज का. हो गया सबका? यस सर. चलो अभी 10.3 एक्सरसाइज का 10.3a. The refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light? Index of glass is 1.5. Theta is 1.5. Okay. What is the speed of light in glass? And speed of light in vacuum is 3 × 10 distributed meter per second. Speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. So, I know that theta is equal to c by v. So, v equal to c by eta. Speed of a light in a glass medium. Speed of light in glass medium. तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट और आपको ईटा दिया है 1.5 देयरफॉर ईटा इज 2 × 10⁸ मीटर पर से ये हमारा स्पीड आ जाएगा v. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम is 2 × 10⁸ meter per second.
ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. हो गया सबका? 2 मिनट्स. राजी सर. हाँ सर, एक क्वेश्चन छे. हाँ बोल सर. इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्वेशन के भी रीते थाए. ओके, अब मैं वो कहूँ जो कि तुझे लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ थी सपोज बेंडिंग ऑफ ए वेव थाए. डिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ ए वेव. सिंपल लैंग्वेज बेंडिंग थाए. એટલે બેન્ડિંગ થાય ને એટલે કેવું થાય, કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય, કોઈ જગ્યાએ બંધ થઈ જાય, કોઈ જગ્યાએ પાછી ઇન્ટેન્સિટી હોય. એટલે ટોટલ તો અહીંયાની બધી ઇન્ટેન્સિટી કાઉન્ટ કરે ને, કે આ બધી ઇન્ટેન્સિટીનું એડિશન કરે ને, દેઆર ઇક્વલ અકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. કારણ કે આ ડિફ્રેક્શન ફિનોમિના ઇઝ અ બેન્ડિંગ ઓફ અ વેવ. બીજો પોઈન્ટ કે સપોઝ આની વાત કરે છે એ, આ જે છે એની વિડ્થ કહેવાય સ્લિટ વિડ્થ. સ્લિટ વિડ્થમાંથી જેટલી એનર્જી ટ્રાન્સમિટ થાય, જેટલી એનર્જી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ રીડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્રોસેસ. રીડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્રોસેસનો મીનિંગ એવો થાય કે બધી જ ઇન્ટેન્સ એનર્જી સેમ એમાઉન્ટમાં હોય, પણ કોઈ જગ્યાએ લાર્જ હોય, કોઈ જગ્યાએ ના હોય. ફરીવાર કોઈ વખત લાર્જ હોય એટલે આપણે કોઈ પ્લેસ પર તને ઇન્ટેન્સિટી આય મળે, કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટેન્સિટી ન મળે. બીજો પોઈન્ટ, અહીંયા ફિનોમિના એવી નથી કે ઓલ આર ધ સેમ ઇન્ટેન્સિટી. તમે જો મિડલમાં સૌથી વધારે ઇન્ટેન્સિટી છે, વેન ધ નંબર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધ ઇન્ટેન્સિટી વિલ બી ડિક્રીઝ. ધેરફોર રીડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્રોસેસમાં શું થાય, તો એનર્જી તો સેમ જ રહે અકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. અને મેં એવું નથી કે તો આખા વેવ ફ્રન્ટ નહીં, જે વેવ ફ્રન્ટ અહીંયા એમિટ થાય છે એટલાની જ એનર્જી કન્ઝર્વેશન, કારણ કે બીજી તો વેવ ફ્રન્ટ પાસ જ નથી થતો, કારણ કે અહીંયાથી અટકી જાય છે. એટલે જે એમાઉન્ટમાં અહીંયાથી જે પાસ આઉટ થાય છે એની એનર્જી અહીંયા રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. બધા માટે નથી, કારણ કે બીજા બધા વેવ્સ તો આજુબાજુ અથડાઈને બેક કર્યા થશે. સપોઝ ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ, તો બેક જતા રહ્યા થશે. તો આપણે આટલા એમાઉન્ટમાં એનું લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી હોવે. ઓકે સર, ખબર પડી. બાકી આપણે આખું કાઉન્ટ નથી કરતા, ખાલી જેટલું નીકળે છે એમાંથી એ જ કાઉન્ટ કરીએ છીએ. એટલે સર, સ્લિટ વિડ્થમાંથી જેટલી વેવ્સ નીકળશે એ જ પડી જાય, બાકીનો તો કેવું છે અમુક રિફ્લેક્ટ બી થતા હશે, એ આપણે કાઉન્ટર નથી કરવાનું. કારણ કે એ તો આપણે એક્ચ્યુઅલી જે પાસ આઉટ થાય છે એનું રીડિસ્ટ્રિબ્યુશન થાય છે અને લો કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી ઓબે કરી દે છે. ચલો આપણે બી પોઈન્ટ પર જઈએ છીએ. ચલો નાઉ બી. B, is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two colors, red and violet, travels slower in a glass prism? Okay. Color of light depends upon frequency. तो कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. अभी आपको मैं ईटा इक्वल टू सी बाय वी लिख रहा हूं. अब वेव स्पीड की बात करते हैं, तो वी इक्वल टू सी बाय ईटा. स्पीड चेंज था बिकॉज मीडियम विल बी चेंज. तो तुमने कहो प्रिज्म इज अ डिस्पर्सिव. Prism is a dispersive medium. Dispersive medium હોય એટલે eta સાથે એની frequency change થાય. Frequency change થાય એટલે wavelength change થાય. Wavelength change થાય એટલે આપણે color change થાય. એટલે આપણને white color incident કરીએ practical માં,
तो वी गेटिंग सेवन डिफरेंट केम ड्यू टू द ईटा इनो ईटा એવો છે કે જેને સેવન કલર માં ડિવાઇડ કરે છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડિસ્પર્શન ઓફ મીડિયમ હવે તમને એ બી ખબર હશે કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઓફ રેડ કલર ઇઝ વેરી લાર્જ કમ્પેર્ડ ટુ ધ વાયોલેટ હવે આ એક એમસીક્યુ છે સામાન્ય હાઈવે પર ડાયવર્ઝન જે લખેલું હોય એ રેડ કલર નું હોય તો શા માટે વાયોલેટ કલર નું ના હોય કે બ્લુ કલર નું કેમ ના હોય એનું રીઝન એવું છે કે બીકોઝ રેડ કલર વિલ બી ટ્રાવેલિંગ વિથ અ હાઈ સ્પીડ હવે વેવલેન્થ એની મોર હોય એટલે રેડ કલરની વેવલેન્થ બહુ જ લાર્જ છે તમારા તરફ બહુ હાઈ સ્પીડ થી આવી જશે એટલે સપોઝ તમે બી વ્હીકલ લઈને છો મોશનમાં છો તમારી સ્પીડ હાઈ છે તો તમને રેડ કલર તમારી તરફ પહેલા પહોંચી જશે એટલે તમને ખબર પડશે કે ત્યાં ડાયવર્ઝન છે મારે બ્રેક મારવાની છે એવું તમે જજમેન્ટ લઈ શકશો એટલે રેડ કલરની સ્પીડ સૌથી વધારે છે માટે આપણે ડાયવર્ઝન રેડ કલરમાં આપીએ છીએ બધી જગ્યાએ રેડ કલરમાં જ આપીએ છીએ તમે જુઓ છો ધૂનમાં ત્યાં હોય રેડ કલરમાં ડાયવર્ઝન લખેલું હશે કદાચ તમને ચેન્જ બી કરવાનો હશે તો એરો બી એવો હશે કે ડાયરેક્શન ચેન્જ થાય છે ત્યાંથી એટલે દૂરથી રેડિયમ પરથી આપણને જજમેન્ટ આવી જાય કે અહીંયા બ્રેક મારવી પડશે આપણે થોડું વળાંક લેવો પડશે ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રેટ લાઈન બીજો પોઈન્ટ કે ના હવે એનો મતલબ એવો થયો ઈટા રે ઇઝ લેસ ધેન ઈટા વાય એટલે સેવન કલરમાં રેડ કલર માટેનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ લેસ છે વાયોલેટમાં લાર્જ છે એટલે વાયોલેટનો ઈટા લાર્જ હોવાથી એનો વેલોસિટીનો રિજિયન લેસ છે જ્યારે રેડ કલરમાં ઈટા સ્મોલ હોવાથી એની વેલોસિટી લાર્જ છે તો પ્રિઝમ ઇઝ અ ડિસ્પર્સિવ મીડિયમ તો તમે એવું કહેશો કે આપણે કઈ ડિસ્પર્સિવ મીડિયમમાં હોય છે તો તમે ફોર વ્હીલરમાં પાસ આઉટ થતા હોય તો ફ્રન્ટ ગ્લાસ હોય ગ્લાસ ઇઝ અ ટેમ્પરરી ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ગ્લાસ અને એ ઠીક હોય એટલો પતલો ના હોય કે તૂટી જાય તો ઇટ વિલ બી બિહેવ લાઈક એઝ અ પ્રિઝમ that time we count as a velocity vr is greater than velocity r to aa dispersive medium che etla avu thai che and red color tamara taraf jaldi aave che while late aave che because speed is less clear to aa no reason hata reason tame koi book ma thi lakhi leso chalse ke hu lakhai do ओके लिख लेंगे तो चलेगा ये लिख लो केवल ये मेन पॉइंट है आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो अभी हमने फोर्थ किया हुआ है फिफ्थ से बाकी है अभी आपके एग्जांपल खत्म हो जाएंगे इलेवंथ का थोड़ा शुरू करेंगे एक दिन मैं रखूंगा ट्यूसडे उसमें मैं केवल पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा ट्यूसडे पोलराइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है ये एग्जाम में नहीं है मैं केवल उस दिन पोलराइजेशन पूरा चला लूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कैसे पोलराइजेशन होता है क्यों होता है पोलराइजेशन क्या है उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा ट्यूसडे ओके चलेगा ना प्रीत और आज मैं 11 शुरू कर रहा हूँ और ट्यूसडे हम वो खत्म कर देंगे तो अभी टेन पॉइंट फाइव In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. Wavelength is lambda. Intensity of light. At a point on the screen. At a point. Where path difference is lambda is k units. Screen. Path difference lambda. Okay. Path difference lambda is k units. Intensity is
What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? तो intensity कितनी होगी? अभी है ना? आपका एक form है, वो आपको clear होगा. I equal to 4I0 cos square 5/2. ये आपने prove किया था, याद है? एवरेज इंटेंसिटी से पहले यस सर याद हो तो अच्छा है सर. हाँ हाँ बोल बोल याद है ना कि याद नहीं है सर? याद सर याद है सर. ओके ओके तो भी ये हमारा फाइव इज नोन एज ए फेज डिफरेंस. What is the relation between phase and path difference? Phase and path difference का किसी को relation मालूम है? 11th में हमने प्रूव किया था. Sir, phase difference is equal to 2 pi into path difference by lambda. Yes. अब है ना ऐसे याद रखना. Delta equal to 2 pi lambda, 2 pi by lambda into x. ये format है. 5 is a path phase difference, 2 pi by lambda, x is a path difference. और ये 2 pi by lambda हमारा wave vector है, okay? It is known as a wave vector. और path difference is r2 minus r1. So instead of 5, we write key r2 minus r1. And therefore we write I equal to 4I0 cos square. Instead of 5, we write ki R2 minus R1 by 2. Ye our intensity ka equation. When the path difference, when path difference R2 minus R1 is lambda, that time intensity that time intensity I equal to K. तो जब हमारा path difference lambda है तब आपको intensity K मिल रही है. तो हम लिखेंगे I equal to 4I0 cos square K R2 minus R1 by 2. I equal to K 4I0 cos square K by 2, R2 minus R1 is lambda. ये हमारा equation number 1. तो ये आपका है 4I0 cos square K lambda by 2. When path difference R2 minus R1 is lambda by 3, that time intensity I. तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, instead of I, we write I, 4I0 cos square K by 2, R2 minus R1, मैं लिख रहा हूं lambda by 3. तो ये आपका path difference lambda by 3 है. अभी ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, उसका हम एक्सपांशन करने वाले हैं. तो आप यहां तक आ जाओ, अभी सिंपल हो जाएगा इक्वेशन. अभी मैं के की वैल्यू रख दूंगा ना तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4I0. पता चल रहा है? प्राची, निधि, गौरव शर्मा, ये ना फेज डिफरेंस है, ये x इज द पाथ डिफरेंस. 11 का इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ. सर थोड़ो लेफ्ट साइड करो ना बोर्ड.
शिवराज तुम्हें पता चल रहा है? ओके प्राची हो गया है? ना सर, 2 मिनट। ओके चलो, तो अभी इक्वेशन 1 को थोड़ा एक्सपेंशन कर देते हैं। और 1 मिनट। ओके थैंक यू। अभी इक्वेशन 1 के इक्वल 4i0 cos स्क्वायर की लैम्डा बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपका 4i0 cos स्क्वायर k इज 2π/1 लैम्डा वेव वेक्टर, ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा कैंसिल 2 कैंसिल, cos पाई इज अ -1, ये cos स्क्वायर पाई बन रहा है। याद रखना k इज अ वेव वेक्टर इज 2π/λ, ये आपका वेव वेक्टर है। तो ये cos pi -1 उसका स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 4i0 k is 4i0 इक्वेशन नंबर 3। अभी ये हमारा इक्वेशन 2 है। नाउ इक्वेशन 2, i is 4i0 cos स्क्वायर k लैम्डा बाय 6। ये थ्री नीचे चला गया, 3 × 2 = 6। अभी 4i0 की वैल्यू में दिख रहा हूं के के इज 2π/λ वेव वेक्टर, तो ये आपका होगा के cos स्क्वायर पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 इज अ cos 60। cos 60 का होता है √3/2 होता है, cos 60 इज ए 1/2 और उसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा k/4। इंटेंसिटी इज k/4, तो ये आपका होगा आंसर, इंटेंसिटी इज k/4। आइडियाज लिखना है तो भी चलेगा, बिकॉज पहले आई था तो आइडियाज लिखते हैं। Is it go down? No, sir. Okay.
चलो सबका हो चुका है। चलो अभी हमारा सिक्स के बाकी है 10.6। A beam of light consisting of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. A. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer. Okay, third bright fringe. Find the distance of third bright fringe from central maximum wavelength is 650 nanometer. तो अभी उसके लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो लिखा हुआ है, और आपको मैं ये दिखा दूं, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम, ये सेकेंड मैक्सिमम, थर्ड ब्राइट, और ये आपका है जीरो ब्राइट, इट इज नोन एज ए सेंट्रल मैक्सिमम। तो आपको ये डिफाइन करना है डिस्टेंस एक्स थ्री, एंगल होगा ना तो थीटा थ्री। तो ब्राइट फ्रिंज इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा d sin theta is n lambda। अभी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये x में कैसे लाएंगे, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो आपको ये ध्यान रखना है, हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इक्वल टू tan theta equal to theta। अभी ये स्क्रीन है, स्लिट का डिस्टेंस भी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं tan theta equal to opposite upon adjacent opposite x3 by d, यदि n है तो xn by d। तो here theta is very small, here theta n is very small and therefore sin theta n equal to tan theta n equal to xn by d, तो हम लिखेंगे dxn by d is n lambda। तो ये आपका हो जाएगा dxn by n is n lambda n equal to 1, 2, 3, 4। For third bright fringe, for third bright fringe, n equal to 3. And therefore we write dx 3 by 3 is 3 lambda. The x3 is 3 lambda d upon d.
अभी आपको है ना सब दिया होगा इंफॉर्मेशन, स्लिट एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, स्लिट का डिस्टेंस 2 mm है, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। तो ये आपको लिखना है, बुक में दिया है। तो अभी डी से 2 mm, 2 × 10⁻³⁻³ मीटर, और ये 120 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 10⁻²⁻² मीटर, और जो वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, नैनो इज 10⁻⁹ मीटर, सबको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, 10⁻⁹, कैपिटल इज 120 सेंटीमीटर में से मीटर में 10⁻², स्मॉल डी 2 mm, 2 × 10⁻³। तो अभी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 650, 120 / 2, ये -11। तो आप ऐसा करो, -11 में से -3 चला गया तो -1। अभी सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप यहाँ का कर जाओ, फिर हम वैल्यू पुट अप करते हैं। वन वन सेवन ओके, 1,17,000 ओके। ये 5 डिजिट कैंसिल हो गए, ये आपका मिलीमीटर में आ जाए, 1.17 मिलीमीटर। हो गया सबका? हेलो सर। हाँ बोल बगा। अरे ब्लर आ रहा है। ओके अब कैसे आ रहा है? क्लियर अच्छा। ओके चलो, होगा आपका याद है? प्राची थैयो
निधि हाँ सर थैंक यू चलो ओके तो ये 1.17 मिलीमीटर आ रहा है अभी उसका दूसरा पॉइंट है चलो अभी आगे दूसरा पॉइंट बी व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा Central maxima where the bright fringes due to both the waves, both the wavelength. On side. तो अभी आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि सपोज हम जब वेवलेंथ लैम्डा वन इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एन वन ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है डिस्टेंस इज एक्स और जब हम दूसरी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं लैम्डा टू वही डिस्टेंस पे एन टू ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है एट ए सेम डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कौन सा है क्वेश्चन ये है तो व्हेन वेवलेंथ लैम्डा वन इज इंसिडेंट ऑन ए स्क्रीन दैट टाइम एट मिनिमम डिस्टेंस एक्स वी गेटिंग एन वन ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज व्हेन व्हेन वी इंसिडेंट lambda 1 650 nanometer on screen at minimum distance x n1th order bright fringe will be obtained तो मिनिमम डिस्टेंस एक्स है अभी आपको ये लिखना पड़ेगा ब्राइट फ्रिंज इज डी एक्स एन बाई डी इज एन लैम्डा वो आपने पहले लिखा है तो अभी मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी इज एन वन लैम्डा वन ये हमारा इक्वेशन नंबर है व्हेन वी इंसिडेंट लैम्डा टू इक्वल टू 520 nanometer on screen at minimum distance x at minimum distance x n2th order bright fringe will be obtained और तब हमारा बनेगा डी एक्स एन बाई डी इज एन लैम्डा आपको ये मालूम है ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा ना तो आपको ऐसा लिखना था 2n+1 लैम्डा बाई टू ये तो आपको मालूम है ना ये कंस्ट्रक्टिव ऐसे एन लैम्डा डिस्ट्रक्टिव होता है ना तो आपको ऐसा लिखना था 2n+1 लैम्डा बाई टू तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव है ब्राइट फ्रिंज तो यहाँ पे आएगा n2 लैम्डा 2 इक्वेशन नंबर 2 अभी डी एक्स बाई डी दोनों साइड सेम है because x is same capital D is also same because distance between slit and screen
and small d is also same. Because arrangement of practical does not change. Here, the arrangement is does not change. उसने किसी चीज को आगे पीछे किया नहीं है, यानी वो सेम है, यानी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग वन एंड टू. कभी आप कंपेयर करोगे वन एंड टू को, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर एक्स डिफाइन करेंगे. पहले यहां तक आ जाओ. ये अच्छा है कि ब्राइट पे ब्राइट कौन सा हो रहा है. कभी ऐसा हो सकता है कि ब्राइट पे डार्क कौन सा हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है टू एंड टू प्लस वन लैम्ब्डा टू बाय टू, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ता. अभी तो क्या है, ब्राइट पे ब्राइट है तो अच्छा है, एन वन लैम्ब्डा वन इज एन टू लैम्ब्डा टू. हो गए दोनों. एक मिनट सर. चलो हो चुका है यहाँ तक. यस सर. यदि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम ब्राइट पे डार्क दे तो आपको ऐसा लिखना है एन वन लैम्ब्डा वन इज टू एन टू प्लस वन लैम्ब्डा टू बाय टू. तो डार्क पे ब्राइट, ब्राइट पे डार्क, वो भी डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो भी आ जाए. पर अभी क्या ये एग्जाम्पल है तो अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग वन एंड टू. कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे एन वन लैम्ब्डा वन इज एन टू लैम्ब्डा टू. तो एन वन बाय एन टू इज लैम्ब्डा टू बाय लैम्ब्डा वन. लैम्ब्डा टू इज 520, लैम्ब्डा 1 इज 650. तो ये आपका 13 4 जा 52, 13 12 जा 64. तो ये आपका n1 n2 मिनिमम होगा. मिनिमम
अब आप बोलोगे मैक्सिमम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको आइडिया दूं, 8/10, 12/15, 16/20, ये सब वैल्यू हो सकती है बहुत सारी, पर मिनिमम वैल्यू 4/5 है। आपको 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये सब वैल्यू आ जाएगी। आपको मिनिमम डिस्टेंस बोला है, यानी एन की मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन 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 टू इस पर। तो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ सकती है, पर हमें मिनिमम डिस्टेंस काउंट करना है, यानी मिनिमम वैल्यू एन वन इस फोर एन एन टू इस पर। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन और आइदर इक्वेशन टू, पुटिंग the value of n1 equal to 4 in equation 1, तो आपके पास dx by d है is n1 lambda 1, तो x equal to n1 lambda 1 d upon small d। अभी आप सबकी वैल्यू पुट अप कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये n1 मेरे पास है 4, lambda 1 is 650, 10 is to minus 9, capital D 120, 10 is to minus 2, small d is given 2 mm, 2 into 10 is to minus 3। तो ये सब वैल्यू दी गई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2 2s are 4, 650 into 2 into 120 minus 8 हो गया, ये कितना आ रहा है शिवराज? ₹1,56,000। तो ये आपका हो जाएगा 1.56 10 रेस टू माइनस 3 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस हो। यदि कोई दूसरे में पुट अप करता है तो भी उसका आंसर यही आएगा, मिनिमम डिस्टेंस। पर उसमें आपको n2 की वैल्यू 5 रखनी है और लैम्डा 2 520 लेना है। चलो हो गया सबका। चलो अभी आगे 10.7। In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away.
The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the center experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4 by 3. में 600 नैनोमीटर है, इटा वाटर दिया हुआ है 4 बाय 3, आपको मालूम है वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो लैम्डा है डिवाइड बाय वाटर, इटा वाटर। जब भी आप डेंसर मीडियम में जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, इटा में इटा डिवाइड करना पड़ेगा। तो एयर में 600 नैनोमीटर है, वाटर में 4 बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 600 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 2 × 300 900 450 नैनोमीटर बन जाएगा। अभी एंगुलर विड्थ ऑफ रेंज यानी कोई भी एंगुलर विड्थ, यानी आप ऐसा नहीं है सेंट्रल कोई भी चलेगा, और आपको मालूम है एंगुलर विड्थ इज बीटा, सपोज बीटा एंगल थीटा और सीट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस डी, तो आपको आर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल लिखना है, तो आपको आर इज बीटा, रेडियस इज डी, एंगल इज थीटा, और बीटा आपको मालूम है इट इज लीनियर विड्थ, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, याद है इट इज नोन एज अ लीनियर विड्थ, तो बीटा इज अ लीनियर विड्थ, और लीनियर विड्थ का वैल्यू था लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अभी मैं डी कैंसिल कर रहा हूं तो थीटा इज लैम्डा बाय डी, when apparatus in air, तब theta is lambda air divided by d, when apparatus in water apparatus in water theta water is lambda water upon d। अभी आपको इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन करना पड़ेगा, ये आपका थीटा डैश आ जाए, तो नाउ इक्वेशन टू डिवाइड by equation 1, so theta dash divided by theta lambda water upon d lambda air upon d, so here theta dash equal to theta lambda water upon lambda air। अब सबकी value put up करेंगे तो answer आ जाएगा, आप यहाँ तक आ जाओ फिर value put up करना है।
हो गया सबका? वृषाली सबका हो चुका है? ज्ञानी सबको पता भी चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। चलो अभी हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। थीटा हमें दिया है 0.2 डिग्री, लैम्डा वाटर 450 नैनोमीटर, एयर 600 नैनोमीटर, 154 जा 600 154 3 जा 450, 0.6 डिग्री डिवाइड बाय 4 का 0.15 डिग्री हो जाए। एंगुलर विड्थ इन वाटर इज 0.15 डिग्री। सबका हो चुका है? जयमीन? यस सर। ओके सबका हो चुका है? चलो तो अभी 10.10 करना पड़ेगा। देख लो 10.8 नहीं है सिलेबस में, वो पोलराइजेशन पे है। 10.9 भी पोलराइजेशन पे है, तो अभी होगा 10.10। यानी हमारा जो चैप्टर के एग्जांपल हमारे सिलेबस में इस टाइप ये सब खत्म हो जाएंगे। चलो अभी 10.10। Estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength is 400 nanometers. Aperture? 4 mm. 4 mm. Okay. And wavelength is 400 nanometer. So here required distance for Fresnel distance. Fresnel. Distance ZF equal to d square by lambda. ये distance तक हम ray optics apply कर सकते हैं। 4 mm, 4 × 10⁻³⁻³ meter, और ये हमारा 400 nanometer 10⁻⁹ meter, तो ये होगा 4 × 10⁻⁷ meter. तो ZF equal to d square by lambda. D equal to 4 × 10⁻³⁰ whole square.
lambda is 4 into 10 is to minus 7. 4 plus square 16, 10 is to minus 6, 4 into 10 is to minus 7. The 160 divided by 4 is a 40 meter. Up to 40 meter, we apply the ray optics. Up to 40 meter, we apply ray optics. तो 40 मीटर तक हम रे ऑप्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं. सबका हो गया. तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 11 चैप्टर. केवल आज हिस्टोरी करेंगे थोड़ा ही, नेक्स्ट टाइम से आगे कर जाएंगे. तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन दिए, वो हमने 8 चैप्टर में स्टडी किया था. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकली हर्ट्ज ने डिफाइन किए थे पहले. उसके बाद हमारे वहां से इंडिया में से 5 mm से 25 mm किससे डिफाइन किया था प्रैक्टिकली. इंडिया में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी रेंज थी 5 mm टू 25 mm किसने डिफाइन किया था, हर्ट्ज ने डिफाइन कर लिया था. उसके बाद किसने डिफाइन किया था, जगदीश चंद्र बोस, उसने डिफाइन किया था 5 mm टू 25 mm. उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़े किलोमीटर तक यूज किया था प्रैक्टिकली. तब ऐसा माना जा रहा था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज अभी जो कर रहे हैं उस सिस्टम में हो सकता है. वो किसने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकली हम जैसे भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, वो यानी आप टॉक कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो बाय ईमेल. मार्कोनी. यस मार्कोनी. मार्कोनी ने डेवलप किया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप एक जगह से दूसरी जगह पे यूज करके यानी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं. अब उस टाइम पे रोंटेजन जो था उसने एक्सरे डिफाइन किया था. एक्सरे और एक्सरे भी बहुत मेन चीज थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें ही आता है एक्सरे. उसके बाद जीजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिफाइन किया और इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिक चार्ज. ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन तो होता ही है,
बिकॉज आप ऐसे एटम ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, तो आपको केमिस्ट्री में सब जगह पे एटम्स के बाद न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया जाता है और उसके बीच में जो रिएक्शन होता है उसके बेस पे केमिस्ट्री रचा है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिक पार्टिकल, वो पहले जे जे थॉम्सन ने डिफाइन किया, फिर उसने ई बाय एम का रेशियो भी डिफाइन किया और ई बाय एम का रेशियो उसने डिफाइन किया था 1.76 10^11 कूलम पर केजी। ये जे जे थॉम्सन ने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का मास डिफाइन किया था और उसकी वैल्यू उसने गेन की थी 1.76 10^11 कूलम पर केजी। उसके बाद जे जे थॉम्सन ने ऐसा डिफाइन किया कि स्पीड ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे यानी आप समझ रहे हो कि कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन का वेव होता है ना, इट इज नोन एज ए कैथोड रे। और कैथोड रे का पहले कैथोड रे पहले क्रूक्स ने डिफाइन किया था, क्रूक्स याद रखना, क्रूक्स ने कैथोड रे डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम। कैथोड रे इज अ सिंपली इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है और कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से 1/20 होती है और 1/30 होती है, याद रखना कैथोड रे की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से 1/20 होती है या तो 1/30 होती है, इट विल बी वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो जब इलेक्ट्रॉन पास होता है कैथोड रे प्रोड्यूस करता है तो उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से 1/20 होती है या तो 1/30 होती है। तो ये सब चीज वन बाय वन सब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये था, ये मैटर होती है, आप बिलीव करते हो कि मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते होंगे, ये बात सही है, ये गलत है। मैटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने आप बाहर निकल जाते होंगे, ऐसा है कि ये बात गलत है मैं जो बोल रहा हूं, बिकॉज मेटल के सिवा किसी चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन यानी सेमी मेटल में होता है और मेटल में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है ना उसको अट्रैक्शन रिपल्सन होता है बिकॉज इनसाइड एटम्स होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकलता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है फिर भी बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मूव विद अ स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन ऑफ ए मैटर, या वो केमिस्ट्री में सीखा होगा वर्क फंक्शन ऑफ ए मैटर यानी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू रिक्वायर फ्रॉम मूव फ्रॉम द मेटल सरफेस टू आउटसाइड, बाहर निकलने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए और वो मिनिमम एनर्जी इज नोन एज अ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, यानी मेटल में जितना वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उतना उसको अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होगा, जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, जिसको अट्रैक्शन कम होगा वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रॉन का मोशन का क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना स्टडी करनी है, हमें करंट मिल रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट में से पास होते हैं उसमें से हमें लाइट मिलती है, तो आपको मालूम है अभी रेड बल्ब भी मिल रहा है तो पहले व्हाइट बल्ब भी आते थे अभी भी मिल सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हम गेन कर सकते हैं, इट इज नोन एज एक्साइटेड लेवल। उसको कहां पे आप ले जा रहे हो, कितने प्रेशर पे रख रहे हो बल्ब को इनसाइड रीजन में, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट कलर गेन हो सकते हैं। पर मेजोरिटी कंपनी हमें नॉर्मली जो बल्ब देती है वो रेड कलर का होता है बिकॉज हमें रेड और व्हाइट का ही यूज करते हैं मेजोरिटी, इसलिए कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन दूसरे की ओर ध्यान नहीं देती है। बाकी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के बल्ब चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, फिर ये प्रोडक्शन एक बल्ब दो बल्ब का नहीं होता है या ज्यादा होता है इससे ये लोग बनाते नहीं है, अदरवाइज आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर
बल्ब चाहिए तो मिल सकते हैं, उसमें ऐसा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर गेन कर सकते हैं। तो ये सब हमें नेक्स्ट टाइम पढ़ना है, तो भी पढ़ना है गायकवाड़, तुम्हें पढ़ना है इंट्रोडक्शन सेक्शन ए में। How it can be said that light possesses wave nature from Maxwell's equation for electromagnetism and Hertz experiment to produce detect electromagnetic waves, it can be said that light possesses wave nature. Second, write observations of various experiments which suggest that light rays are stream of negatively charged particles. In 1895, Rontgen invented X-rays. In 1897, J.J. Thomson invented electron, which was landmark to study structure of atom. In 1870, William Crookes invented cathode rays. He filled gas in discharge tube. He applied electric field to electrode at both ends of the tube. He observed that electric charge is produced which travel to other end, and when incident on fluorescent material produces small flickering of yellowish color. From this, he concluded that cathode rays are made up of stream of negatively charged particles. J.J. Thomson first measured speed of cathode rays, which was order of 1 by 20 to 1 by 30 times speed of light. He obtained specific charge, ratio of charge and mass of electron E by M, which was of the order of 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. He suggested that specific charge E by M does not depend on type of gas filled in cathode ray tube and also does not depend on metals used as electrode. यानी वो metal पे depend E by M का ratio है ना, वो metal पे depend नहीं करता है, और किस में से वो cathode rays बाहर निकल रहे हैं वो material पे depend नहीं करता है, gas पे depend नहीं करता है। आगे question 3, write information about negative electric charge emitted from metals when UV light is incident on them or metals are heated. In 1887, it was observed that when ultraviolet light is incident on metal or when some metals are heated, negative charge is emitted from them. Particles produced. Suppose metal attraction is 0.4 UV. यदि मैंने यहाँ पे कोई रेज एमिट कर दिया जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिंपली बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये जीरो से बढ़ जाएगी 0.1 इंची और उसको बाहर फेंक देंगे। यदि हमने कम एनर्जी दी तो वो बाहर नहीं निकलेगा और वहां पे ही रह जाएगा। यानी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है, वो वर्क फंक्शन जो ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन कराने के लिए हमें जो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा थोड़ी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, तो ये आपको समझना है। आगे Particles produced by different methods have similar nature. In 1897, J.J. Thomson called it as electron and showed that electron is fundamental and universal particle. For the invention of electron, J.J. Thomson was awarded Nobel Prize of Physics in 1906. In 1913, American scientist R.M. Millikan measured charge of electron by oil drop experiment. He observed that charge on इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफाइन किया तो 1.60 टू 10 टू -19 कूलम्ब। आगे ही ऑब्जर्व दैट चार्ज ऑन एनी ऑयल ड्रॉप इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1.602 इनटू 10 टू -19 कूलम्ब। दस मिलिकन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म फ्रॉम स्पेसिफिक चार्ज। सिखाना पड़ेगा क्वांटाइजेशन, यानी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, थ्री, यानी ऐसे नंबर ऑफ इंटीजर में होंगे, इट इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी इंटीजर नंबर होगा 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा 1.1 1.2, ऐसा नहीं होगा, तो ये क्वांटाइजेशन हुआ। जैसे q इक्वल टू n, इट इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन, बिकॉज़ 1e 2e 3 ऐसा होगा, इट इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन। तो ये सब 11th में चैप्टर में सब इंफॉर्मेशन है। अभी हमें वर्क फंक्शन उसके बारे में स्टडी करना है, फिर लैंड दूसरे प्रैक्टिकल है, कितने टाइप के एमिशन है वो सब स्टडी करना है। ये छोटा सा चैप्टर है,
जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी वो हम थर्सडे शुरू करेंगे, ट्यूसडे हम चैप्टर सेकेंड वो 10 का जो बाकी है पोर्शन जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो कवर करेंगे। और दूसरी चीज, जिसकी भी 20 बाकी है आपको पे करना है, अंकित तुम्हारी बाकी है, शिवराज बाकी है, वो जो जॉनी की बाकी है, जिसकी भी बाकी है, नील की बाकी है, तो वो लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे घर पे आके भर सकते हैं, या तो आप चेक भी दे सकते। तो ये आप एक दो दिन में भर दीजिए और कल हम सुबह में मिलेंगे 7:00 8:00 o'clock।